नमस्कार साथियों, स्वागत आपका कंपटीशन मटेरियल में। देखिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका जाना पहचाना टॉपिक है। जाना पहचाना पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, मेहनत के लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत के लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे भाइयों, मत सोच कि मेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे है ना, उस इंसान के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता भाई। तो लगे रहो दोस्तों इसी पे। मत सोच कि मेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं, उस इंसान के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो वही दोस्तों, अगर आपके कर्म अच्छे तो आपको जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा। ठीक है, बस लगे रहो, मन लगा के लगे रहो, पढ़ते रहो, एक दिन निकल जाओगे। ठीक है, देखिए जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है दोस्तों। आप देख सकते हो आपका जाना पहचाना टॉपिक है एसएससी जीडी पोस्ट प्रेफरेंस। ये हमने कल वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे पोस्ट प्रेफरेंस, उसमें मैंने समझा दिया था, लेकिन आज थोड़ा और क्लियर लेके आया हूं मैं इस वीडियो को। देखिए इस वीडियो पे सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको भी बताना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी कमेंट्स में। इस चीज से मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, आपके कमेंट्स ही लोग देखेंगे कि भाई कौन से भाई ने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दी है। आपको कमेंट करना है, कमेंट में सारी चीजें लिखनी है, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस भाई ने क्या क्या बताया है, किस कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दी है, किसके नंबर कितने आए हैं। ठीक है, तो उसी चीज को जानने के लिए मैंने ये बनाया है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि फोर्स है कितनी, कितनी फोर्स में 2019 में एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग मिलेगी। फोर्स है मेरे दोस्तों आठ, कितनी आठ फोर्सेज है, देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए और एसएसएफ। ठीक है, ये आठ पोस्ट है। मेरे एक भाई ने कल बोला कि सर एसएसएफ तो होती नहीं, आप गलत बता क्यों रहे हो। भाई आप देखोगे तब पता चलेगा ना एसएसएफ भी होती है, मैं गलत कहां बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस में कितनी पोस्ट है, किस में कौन सी फोर्स में कितनी पोस्ट है, कितने पुरुष के लिए, कितने फीमेल्स के लिए। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, आप यहां देख सकते हो बीएसएफ के लिए मेल कैंडिडेट की है 14,436 वैकेंसी और फीमेल की है 2,548। देख सकते हो बीएसएफ के लिए 14,436 और 2,548 फीमेल के लिए। सीआईएसएफ के लिए है मेल कैंडिडेट की 180, फीमेल की 20। देखिए दोस्तों इसमें भी वैकेंसी कम है, जिसमें कम है मैं एरो का निशान लगा दूंगा। सीआरपीएफ में 19,972 और फीमेल है 1,594। एसएसबी है 6521, ये है 2025। ठीक है, फीमेल की आईटीबीपी में 3,507 मेल की, 619 फीमेल की। एआर में 2,311 मेल की, 765 फीमेल की। एनआईए में ये देखिए यहाँ लगा देता हूँ, एनआईए में खाली 8 है मेल की, फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है एनआईए में। ठीक है, एसएसएफ में 212 फीमेल की, 75। इन तीनों में वैकेंसी कम है। अब मैं ये बताऊंगा कि मैंने तीन क्यों लगाए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, पूछा था कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरी होगी फॉर्म डालते टाइम। देखिए जिस जैसे आपने डाला होगा कि फर्स्ट में पहले पोस्ट प्रेफरेंस में डाल दिया होगा सीआईएसएफ एक नंबर पे, दो नंबर पे डाल दिया एसएसबी, तीन नंबर पे डाल दिया था एआर। तो देखिए दोस्तों उम्मीद है कितनी, 95% मान लो, 95% हमें उम्मीद है कि हमें इन तीनों में से मिल जाएगी। अगर किसी भाई ने पोस्ट प्रेफरेंस में ये डाल दी, जैसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस में ये डाल दी, दूसरे में ये डाल दी, तीसरे में डाल दी ये सीआईएसएफ, ये तीनों डाल दी, वैकेंसी कम है, नंबर भाई के कम है, किसी भी भाई के बहन के नंबर कम है, और पोस्ट प्रेफरेंस ये डाल दी, तो भाई इस बंदे का अगर नंबर कम है, कंपटीशन ज्यादा इन वैकेंसियों में। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप बताइए कि आपने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, आपके नंबर कितने हैं, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो मैं पूरा क्लियर करवाऊंगा, तभी बताओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कमेंट देख के। ठीक है, आप कमेंट करना, आप फिर 2-4 घंटे शाम को जाके वीडियो में देखना कि और लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, आप उन कमेंट्स को पढ़ना। ठीक है, तो वही बात बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपने पहले पे डाल दिया ना ये, दूसरे पे सब तीन सीआई सब, इनकी वैकेंसी कम है, आपके नंबर भी कम है, तो आपको इनमें से ना भी मिले हो, ये भी हो सकता है, तो आपको चौथी जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, जैसे आपने चौथी सीआरपीएफ डाली है, तो आपको चौथी के ऊपर जाना पड़ सकता है। बाकी 95% चांस यही है कि आपको पहली तीन में से मिल जाए, पहली तीन प्रेफरेंस में से आपको अपनी पोस्ट मिल जाएगी।
ठीक है। तो यही बात थी दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की। अब देखिए दोस्तों ये वैकेंसी टोटल मिला के वैकेंसी होती कितनी है, तो टोटल वैकेंसी होती है 54,953, 54,953 आपकी कुल वैकेंसी है, ठीक है। अब इससे मान लो कितने 10 गुना फिजिकल के लिए ले गए थे, 10 गुना में से 5 तो निकल गए फिजिकल में, 5 बच गए, तो मतलब कितना बच गया इसका पापा 25 लाख, 2 लाख, अरे मतलब 3 लाख के लगभग कैंडिडेट बचे हुए हैं भाई, 3 लाख के लगभग कैंडिडेट या 3 लाख से थोड़े कम, ठीक है, 3 लाख से थोड़े कम कैंडिडेट बचे हैं। लिए कितने थे फिजिकल के लिए 5 लाख, 3 लाख से भी कम बच गए, मतलब 50% मान के चलते हम लगभग, ठीक है, 3 लाख से कम 2.5 लाख के लगभग। तो इतने कैंडिडेट हैं आपको कॉम्पीट करना है उसमें, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप बताइए इतने नंबर है, आप बताना क्या क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको अपने कमेंट्स में लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना कि आप कौन से राज्य से हो, कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां से भी करते हो। फिर आपने बताना कि आपकी कितने मार्क्स हैं, फिर आपको बताना कि आपके राज्य की कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि दोस्तों मुझे याद नहीं रहती, फिर मेरे को बार बार में देखना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए कि सर मेरी इस कैटेगरी, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको इसमें कैटेगरी भी बतानी है, आपकी कैटेगरी भी बतानी है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी करते हो, वो भी आपको लिखना है। तो अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी, फिर अपने राज्य की कट ऑफ, आपके राज्य की कट ऑफ कितनी गई है वो, ठीक है। फिर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है दोस्तों, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या डाली, पहले नंबर पे क्या डाला है, पहले नंबर पे आपने डाल दिया बीएसएफ, दूसरे पे डाल दिया एसएसबी, तीसरे पे डाल दिया सीआरपीएफ, ठीक है। इस तरह से आपने कौन से पोस्ट प्रेफरेंस डाली है वो आपको बतानी है, ठीक है, जिससे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। सारे कमेंट्स पढ़ोगे ना बाद में, एक बार कमेंट सभी करना, कमेंट्स करोगे तभी पता चलेगा, तभी एक डाटा निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। हमारा मकसद है कि एनालिसिस करना कि किस बंदे ने कितना, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डाली, कितने मार्क्स से, कितनी कट ऑफ से ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है, उसी हमारा मकसद है खाली वो। तो आप बताइएगा, तो फिर आप कमेंट करिएगा, फिर आप शाम को जाके कमेंट फिर देखिएगा, ठीक है, फिर देखिएगा किस बंदे ने क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाली, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरी तो जरूरत ही नहीं है भाई, मैं तो आपका एक छोटा सा जरिया हूँ, छोटा सा जरिए वो बोलते हैं तिनका हूँ आपके सामने। तो ये थी दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो भाई कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना भाई, ठीक है। अपना मकसद है भाइयों को समझाना, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख के समझाया, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद, जय भारत।